मेघनगर विकासखंड में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर द्वेषिता व पक्षपातपूर्ण कार्यवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय पर सैकड़ों भाजपाइयों ने मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रैली के रूप में मेघनगर एसडीएम को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजपा के इस प्रदर्शन के दौरान थांदला के पूर्व विधायक कलसिंह भाबर, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, जिला महामंत्री श्यामाता आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व विधायक भाबर ने वर्तमान विधायक वीर सिंह भूरिया पर आम लोगों को डरा धमका कर अवैध दुगाही करने के गंभीर आरोप लगाए। अतिक्रमण के नाम पर कई लोगों को नोटिस भेजने व उनसे नोटिस पर कार्यवाही न होने की बात कहकर उनके चमचों को भेज रकम वसूलने के कई गंभीर आरोप लगाए। आम जनता का शोषण करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। बंधुओं, ये विकास नहीं विनाश कर रहे हैं, इस क्षेत्र का विनाश। मैंने जो काम मंजूर करवाए थे, आज भी उसका कहीं भूमि पूजन करता है। जो काम मैंने बनवाए थे उनका शिलान्यास वीर सिंह भूरिया करता है, मगर एक भी काम नया नहीं लाया, एक भी काम नहीं लाया।